ये जो कल स्प्रिंग हुआ यहाँ पे बहुत सारे मुश्किलात हैं। हम इदारे एक स्टेट के सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो पार्टीज हैं ऑब्वियसली वो आप पार्टी आती भी हैं जाती भी हैं, पब्लिक ओपिनियन पे आती हैं, पब्लिक ओपिनियन पे जाती हैं। हमें मोटिवेशन जो होती है पब्लिक ओपिनियन से लेनी चाहिए, राधर देन हम एक बड़ा चीज क्रिएट कर दें, कोई बड़ा मॉन्स्टर क्रिएट कर दें कि हमें कोई हमें प्रॉब्लम आ जाए। इदारों के बगैर खुद हाल सब कहते हैं कि इदारों इमदादे इम्पोर्टेंट है और दर हैं इम्पोर्टेंट। तो अभी जो रिसेंटली मियांवादी में, हालांकि मियांवादी में भी इन्होंने मेरा नाम डाल दिया और मियांवादी के वो जो दो वाकियात हुए उसके बाद वो इधर बाकी जितनी भी दहशत गर्दी के बच्चे वो भी मेरे भी हुए यहाँ पर बता दें। हमारा जो डोमेन है वो सियासत है, उसके अंदर रहकर अनफॉर्चुनेट और बहुत ही तकलीफ देख और हलाक चीज थी। इससे लोगों के जो यंगस्टर्स हैं पुख्ता ज़हन नहीं होते, वो ये चीज भी रिपीटेडली होती है। और पाकिस्तान देखिए ऑलरेडी बड़े क्राइसिस में है, थैंक्स टू पीडीएम पीडीएम गवर्नमेंट, उनकी मेहरबानियां भी इकोनॉमिक फ्रंट पे देखने आ कि क्या होता है। और अभी मुल्क अभी इसके बाद ये भी हो रहा है बॉर्डर पे भी अगर इतनी ही लड़ाई है और खुदा ना खास्ता अंदरून पे ऐसी लड़ाई है तो कौन सेफ है। हम मुश्किल वक्त में तो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना कि अदारे जो एक इक्विप्ड हैं जो इन चीज़ों को हमेशा उन्होंने पाकिस्तान में उन्होंने अपना रोल अदा किया है। इवन सो में सो भी जब जल्जले आते हैं या इवन डैम्स बनते हैं या जो भी बड़े बड़े चीज़ें हैं उनमें उनकी प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होती है, वो उसमें बाकायदा सफाई बेचारे हमारे ऑफिसर सफाई जो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो लिहाजा मैं फ्रेंकली जो मेरी फीलिंग्स हैं मैं शायद एक्सप्रेस भी ना कर सकूं कि एक इंतहाई डिसअपॉइंटमेंट कि मैंने जिस सफर में 27 साल अपने मुकम्मल किए वो अब्रप्टली ये वाकयात होने थे, ये मामला होने थे मुझे सियासत से। मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा, मैं सियासत की बात कर रहा, मुझे सियासत से दस्तबरदार होना पड़ा क्योंकि मैं इस किस्म की सियासत का हिस्सा नहीं बन सकता कि कल खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में कोई आ जाए तो उसमें मैं भी उस लिस्ट में हूँ। आई डोंट लाइक दैट। मैं बिलीव करता हूँ उस पर, बल्कि फॉर श्योर आई नो इट अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान का सर्वाइवल उसके अदारे उनको मजीद बेहतर होना चाहिए। ट्रू, बट इन अदारों ने आज तक आपकी सरहद आपके सारे बॉर्डर्स जब भी मुश्किल पड़ी है उन्होंने अपनी जाने दी तनखाएं क्या। मेरा ख्याल है किसी अफसर की 80,000 दूसरे की 90,000 सिपाही की 40-45,000 क्या इस दौर में कोई अपनी जान देता है, इस दौर में इतने पैसों के लिए कोई वहां काम करता है। हम डिस्करेज कर रहे हैं, ये इनको डिस्करेज करना है। अब लड़ाई लड़े मैं तो कब कहता हूँ लड़ाई पोलिटिकल लड़ाई, लेकिन अदारों के साथ की बदनसीबी है कि हम या कोई पार्टी नहीं ये काम करे, वो ऑपरेट करते हैं उनका प्रोसीजर है उनका कार है और वायलेशन में और वहां भी तकरीबन आपको पता चल
आते हैं इनको और वहाँ भी तकरीबन आपको पता है 90% लोग आते हैं इनको सारी चीजों के बारे में लेकिन ये 9 मई वाला जो वाक्य हुआ उसमें मेरे बड़ा मुझे जाती तौर पे प्रेपिटर किया है बड़ा तकलीफ दे वाला था क्योंकि सारे जब आपके अपने घर के लोग अमर ज्ञानी साहब ये फरमाइएगा अभी आपने कहा कि हमें सियासी मैदान में सियासी लड़ाई लड़नी चाहिए हमें इदारों को सियासत में मुलव्वस नहीं किया जाना चाहिए साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौज को सियासत से अलग करने का ऐलान किया था आप क्या समझते हैं कि उस ऐलान पे उसकी लेटर एंड स्पिरिट अमल हो रहा है क्या आज पाकिस्तान में फौज जो है उसका सियासत में कोई रोल है या नहीं है देखिए जब आप उनके दरवाजे पे पहुंचेंगे तो मैं समझता हूं तो रोल ऑटोमेटिकली बन जाए लेकिन मैं समझता हूं कि रोल नहीं है और अगर है तो वो हमारी हमें भी एहतियात से और अच्छे तरीके से चीजों को हैंडल करना चाहिए देखिए एक चीज मैं बिल्कुल बताता हूँ हमने ये सीखना है टू कोएग्जिस्ट ना हम पीडीएम को ना पीडीएम हमें ना फौज को हम किसी को जाके दरिया में नहीं बुट कर सकते हमने कोएग्जिस्ट करना है जो भी इस पाकिस्तान का बशिंदा है वो सब लॉयल हैं ये कोई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है हमने कोएग्जिस्ट करना है ये बड़ी सिंपल बात है जो लीडरशिप जो लीडरशिप है पार्टी की मेरी उनसे दरखास्त है और अगर तहरीके इंसाफ की क़यादत आपसे मामला बेहतर होते हैं दोबारा रब्ता करेगी तो आपकी चॉइस क्या होगी आइंदा किसी और इसमें सर ये भी देखिए इसमें खान साहब से सर आपका रब्ता हुआ इस हवाले से देखिए मैंने आपको कहा कि मैंने 27 साल मेरा रिकॉर्ड चेक करिए कि मैंने ना इस तरह इन्वॉल्व होना होगा और अगर हो भी जाती है गुड लक टू देम अल्लाह करे आगे अगली बार और बेहतर काम करें बट विदाउट आई वांट टू बी देयर यानी साहब एक बार साहब जावेद साहब यानी साहब जावेद साहब अपना तारुफ करवा के दोस्त फिर सवाल करें यानी साहब मैं जावेद साहब आवाज सर शिराज रखो जावेद साहब मैं जावेद भाई जो सवाल कर मैं जावेद शहजाद एबीएन न्यूज़ इस्लामाबाद से मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपका कोई वीजा भी लगा हुआ है बैरून मुल्क जाने का भी कोई प्लान है और दूसरा आने से पहले इमरान खान से कोई रब्ता हुआ टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हुई कि नहीं मेरे दोस्त मैंने जिंदगी में भाई एक तक की मैं यहाँ के सबको इस मौजूदा हुकूमत को भी चैलेंज करना चाहता हूँ और जो और हजरात हैं उनको भी कि यार तुम मेरा बायोडाटा चेक कर लो कि मेरी क्या स्टेटस है यहाँ का इस्लामाबाद में मेरा गांव है छोटा सा गांव है लेकिन हमारे वहाँ से आप चेक करें सारी ट्रैफ चेक करें ऐसा अगर करना मैं कि भाई कोई टके की चीज़ बाहर नहीं है और वीजा भेजा था लोग जो मोहब्बत थोड़े बहुत करते हैं उनकी ख्वाहिश थी लेकिन मैं किसी आवाज के अमलाक पे हमला हुआ तो मैं सियासत को जमात को छोड़ रहा हूँ क्या आपको ये यकीन हो गया है कि पीटीआई के वर्कर्स की जानिब से हमला हुआ तभी आप इस जमात को छोड़ रहे हैं साथ ये
आपके पार्लियामानी राहदारियों में सरगोशियां हो रही हैं कि आप इसलिए जमात से अलग हो रहे हैं क्योंकि आपने पे करप्शन केसेस थे, आपको डराया गया है कि आप पे केसेस बन जाएंगे जमात छोड़ दें, और आपने इसलिए एलर्जी दोनों पर जैसे आपकी कि 2 साल पहले जो खाता खुला था वो 2 साल पहले वो क्लोज हो गया, वो क्लियर हो गया आपके लिए, इन्फॉर्मेशन मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है, और मुझ पर प्रेशर होता तो मैं कहीं जाता, मैंने तो पॉलिटिक्स की बात की है। मैंने 27 साल में अपने बेटे तीनों को कभी मुझे मेरे हवाले से किसी बेटे को देखा है, मैं बिलीव ही नहीं करता ये जो मारूसी सियासत है, आई डोंट बिलीव इन इट। मुझे तो ये मेरी सीट तो तैयार है, अगर मैं ना छोड़ता थोड़ा तकलीफ बर्दाश्त करता तो मैं तो फिर MLA बन जाता, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। देखिए ये 9 मई वाला जो वाक्य हुआ है उसने मेरे बड़ा मुझे जाती तौर पे परप्रेटर किया है, बड़ा तकलीफ दे वाला था क्योंकि सारे जब आपके अपने घर के लोग मैं समझता हूँ कि आप किसी को अपॉर्चुनिटी भी नहीं देते, हमारी गलती देखें हम ट्रिगर नहीं करते, मेरा बिलीव है कि उसमें मुझे नहीं पता, देखें मैं यहाँ बैठ के कौन हूँ बताने वाला कि कौन था, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो माहौल बन गया था ना वो ख़तरनाक था। देखें आप जो मर्जी कह लें, जितना मर्जी आप इख्तलाफ कर लें, लेकिन एक दफ़ा आपका हाथापाई होती है ना, जैसे भी हो जाए कोई आपका साथ जो चार खड़े बंदे शुरू हो जाते मारना, ये तो आपको पता है लड़ाई में ऐसे ही होता है। तो आई बिलीव के हमें बहुत एज अ लीडर और एज अ मैं समझता हूँ कि एक पॉपुलर लीडर कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने खुद मैनेज करनी,
आपका सवाल उन्होंने ले लिया, आप दोबारा ले लीजिएगा। एक मिनट, देखिए मैंने आपको गुजारिश की कि आप जरा रिकॉर्ड चेक कर लें, मेरा पूरा रिकॉर्ड प्लीज चेक करिएगा। मैं बड़ी कॉन्फिडेंटली यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ आपसे। मैंने 2 महीने हो गए हैं मैं वहाँ नहीं गया, आप जाके चेक करें। मैं सुन तो लें, सुन तो आपने जवाब देना है तो फिर आप देते, लेकिन मुझे अगर देने दें तो मैं गुजारिश है, मेरी गुजारिश सिंपल है कि मैं बिलीव नहीं करता जब आपको ये आके आपके सामने पेश हुआ हूँ, इसीलिए कि मैं आई डोंट बिलीव इन इट। मैंने ऑनेस्टली किसी से रब्ता नहीं किया, ना मैंने किसी को कहा है कोई छोड़ रहा है या नहीं छोड़ा। देखिए वो हर पॉलिटिशियन ने अपना टाइम लगाया था, मैंने सेक्रीफाइस किया 27 ईयर्स, मैंने कर दिया, मैंने हल्फन किसी से बात नहीं की। अगर कोई छोड़ता या नहीं छोड़ता उसका इशू है, मेरा नहीं है। वासिक यूंग सदाकत आबासी ये जीएचक्यू के चौक पे क्राउड लेकर वहां से गायब हो गए, इस तरह के इमेच्योर पॉलिटिशियंस या लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों उस हवाले से उनको निकालने के हवाले से या उस पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? देखिए मैं आपको देखिए मेरा तो कहा आपको कि आई एम नॉट एक्टिव सिंस प्रॉब्ली 2 मंथ्स, तो मेरी सिर्फ ये एक गुजारिश थी कि ये जो हुआ ना, मैंने फिजिकली जो तस्वीरें आई हैं वही मैंने देखी। अब तो मैं एक्स PTI हो गया हूँ तो मुझे इसका ज्यादा पता भी नहीं है कि हुआ क्या। मैं जरूरी सवाल समझता हूं, तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? अच्छा साहब, जरूरी हम न्यूज़ चैनल से सवाल ले ले काम के। हां जी जी, कैन साहब, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि लोगों को खौफ दिलाकर डर दिलाकर कि उनके कारोबार छीन लिए जाएंगे ये कर, और आज आप भी खौफजदा नजर आ रहे हैं, क्या आपको भी खौफजदा किया? आपको लग रहा है मैं खौफजदा हूं? कैसे, मैं पानी पी रहा हूं या मैं बेहोश पड़ा हूं या क्या है? और अल्लाह के बंदे, मैंने कहा मेरा तो तल्लक ऐसा है कि मैं देखें ये खौफ से ज्यादा रिश्ते मजबूत होते हैं, तो खौफ नहीं मजबूत होता। जी जी, बस आज इसके बाद आप ले लें। अच्छा, मैंने तो 4 दफा ये बात किया है कि मैं 2 महीने से भाई नहीं गया। आप 9 तरीक की जगाने की बात करें तो रिएक्शन मेरी 9, तो मैंने कहा इट वॉज मेरे हिसाब से इट वॉज अ सैड डे, एक सैड डे था, एक तकलीफ का दिन था, तो मैं तो 2-1.5 महीने से गया ही है ना, तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ। मैंने जी आप क्या देखें, अल्लाह करे, मैं चाहता हूं कि तमाम देखें इम्पोर्टेंट है सियासी जमातें, वेरी इंपॉर्टेंट तहरीक, जो तहरीक जितनी भी जमातें हैं सबका रोल है, सिर्फ ये करें कि अपने जो इन्होंने दरवाजे मुकफल कर लिए ना, खुदा रहा ये खिड़कियां दरवाजे खोलें एक दूसरे के लिए और बैठें, ये अदारों की तरफ भागने के बजाय एक दूसरे की तरफ देखें और बैठ के डायलॉग के थ्रू मसला हल करें। राठौर साहब, आपका एक बढ़िया दोस्त सर, मैं हो गया। साहब, सर ये PTI बीट रिपोर्टर है आप प्लीज। नहीं, ऐसी बात नहीं, ये तो नहीं, मैं समझता हूं कि आप किसी को अपॉर्चुनिटी भी नहीं देते। हमारी गलती देखें, हम ट्रिगर नहीं करते। मेरा बिलीव है कि उसमें मुझे नहीं पता, देखें मैं यहां बैठ के कौन हूं बताने वाला कि कौन था, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये जो माहौल बन गया था ना वो खतरनाक था। देखें आप जो मर्जी कह लें, जितना मर्जी आप इख्तलाफ कर लें, लेकिन एक दफा आपका हाथापाई होती है ना, जैसे भी हो जाए कोई आपका साथ जो 4 खड़े बंदे शुरू हो जाते मारना, ये तो आपको पता है लड़ाई में ऐसे ही होता है। तो आई बिलीव के हमें बहुत एज ए लीडर और एज अ मैं समझता हूँ कि एक पॉपुलर लीडर
कुछ चीजें होती हैं जो आपने खुद मैनेज करनी है। देखिए मैंने आपको गुजारिश की कि आप जरा रिकॉर्ड चेक कर लें, मेरा पूरा रिकॉर्ड प्लीज चेक करिएगा। मैं बड़ी कॉन्फिडेंटली यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ आपसे। मैंने 2 महीने हो गए मैं वहाँ नहीं गया, आप जाके चेक करें। मैं सुन तो लें, आपने जवाब देना है तो फिर आप देते हैं, लेकिन मुझे अगर देने दें तो मैं गुजारिश है, मेरी गुजारिश सिंपल है कि मैं बिलीव नहीं करता। जब आपको ये आके आपके सामने पेश हुआ हूँ इसीलिए कि मैं आई डोंट बिलीव इन इट। मैंने ऑनेस्टली किसी से रब्ता नहीं किया, ना मैंने किसी को कहा है कोई छोड़ रहा है या नहीं छोड़ा। देखिए वो हर पॉलिटिशियन ने अपना टाइम लगाया था, मैंने सेक्रीफाइस किया 27 ईयर्स, मैंने कर दिया। मैंने हल्फन किसी से बात नहीं की, अगर कोई छोड़ता है या नहीं छोड़ता उसका इशू है, मेरा नहीं है। आमिर भाई ये बताइए जीएचक्यू पे जब अटैक हुआ वासिक हुजूम सदाकर दाबासी ये जीएचक्यू के चौक पे क्राउड लेकर वहाँ से गायब हो गए, इस तरह के इमेच्योर पॉलिटिशियन या लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों उस हवाले से मेरा तो कहा आपको कि आई एम नॉट एक्टिव सिंस प्रॉब्ली 2 मंथ्स, तो मेरी सिर्फ ये एक गुजारिश थी कि ये जो हुआ ना, मैंने फिजिकली जो तस्वीरें आई हैं वही मैंने देखी। अब तो मैं एक्स PTI हो गया हूँ तो मुझे इसका ज्यादा पता भी नहीं है कि हुआ क्या। हाँ जी, आपको लग रहा है मैं खौफजदा हूँ कैसे? मैं पानी पी रहा हूँ या मैं बेहोश पड़ा हूँ या क्या है? और अल्लाह के बंदे मैंने कहा मेरा तो तल्लक ऐसा है कि मैं देखें ये खौफ से ज्यादा रिश्ते मजबूत होते हैं, तो खौफ नहीं मजबूत होता। जी जी बस आज के बाद आप ले लें। अच्छा मैंने तो 4 दफ़ा ये बात की है कि मैं 2 महीने से भाई नहीं गया, आप 9 तरीके जगाने की बात करें तो रिएक्शन मेरी 9, तो मैंने कहा इट वॉज मेरे हिसाब से इट वॉज अ सैड डे, एक सैड डे था, एक तकलीफ का दिन था, तो मैं तो 2-1.5 महीने से गया ही नहीं ना, तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ। मैंने जी आप क्या देखें, अल्लाह करे, मैं चाहता हूं कि तमाम देखें इम्पोर्टेंट है सियासी जमातें, वेरी इंपॉर्टेंट, तहरीक जो तहरीक जितनी भी जमातें हैं सबका रोल है, सिर्फ ये करें कि अपने जो इन्होंने दरवाजे मुकफल कर लिए ना, खुदा रहा ये खिड़कियां दरवाजे खोलें एक दूसरे के लिए और बैठें, ये अदारों की तरफ भागने के बजाय एक दूसरे की तरफ देखें और बैठ के डायलॉग के थ्रू मसला हल करें। सर ये PTI बीट रिपोर्टर है आप प्लीज। नहीं नहीं सवाल तो सारे नहीं होने दिया, नहीं नहीं पहले PTI बीट रिपोर्टर है। सियासत छोड़ दे, आप क्या सियासत छोड़ रहे सारे वादे में जिम्मेदार तरीके साफ को समझ रहे किसको जिम्मेदार? नहीं मैं समझता हूं कि आप किसी को अपॉर्चुनिटी भी नहीं देते। हमारी गलती देखें हम ट्रिगर नहीं करते, मेरा बिलीव है कि उसमें मुझे नहीं पता, देखें मैं यहाँ बैठ के कौन हूँ बताने वाला कि कौन था, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो माहौल बन गया था ना वो ख़तरनाक था। देखें आप जो मर्जी कह लें, जितना मर्जी आप इख्तलाफ कर लें, लेकिन एक दफ़ा आपका हाथापाई होती है ना, जैसे भी हो जाए कोई आपका साथ जो 4 खड़े बंदे शुरू हो जाते मारना, ये तो आपको पता है लड़ाई में ऐसे ही होता है। तो आई बिलीव के हमें बहुत एज ए लीडर और एज अ मैं समझता हूँ कि एक पॉपुलर लीडर कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने खुद मैनेज करनी है। आपका सवाल उन्होंने ले लिया, आप दोबारा ले लीजिएगा, इनको करने दो।
देखिए मैंने आपको गुजारिश की कि आप जरा रिकॉर्ड चेक कर लें, मेरा पूरा रिकॉर्ड प्लीज चेक करिएगा। मैं बड़ी कॉन्फिडेंटली यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ आपसे। मैंने 2 महीने हो गए हैं मैं वहाँ, मुझे अगर देने दे तो गुजारिश है, मेरी गुजारिश सिंपल है कि मैं बिलीव नहीं करता जब आपको ये आके आपके सामने पेश हुआ हूँ, इसीलिए कि मैं आई डोंट बिलीव इन इट। मैंने मैंने ऑनेस्टली किसी से रब्ता नहीं किया, ना मैंने किसी को कहा है कोई छोड़ रहा है या नहीं छोड़ रहा। देखिए वो हर पॉलिटिशियन ने अपना टाइम लगाया था, मैंने सेक्रीफाइस किया 27 ईयर्स, मैंने कर दिया, मैंने हल्फन किसी से बात नहीं की। अगर कोई छोड़ता है या नहीं छोड़ता उसका इशू है, मेरा नहीं है। वासिक हुजूम सदाकत अब्बासी ये जीएचक्यू के चौक पे क्राउड लेकर वहां से गायब हो गए, इस तरह के इमेच्योर पॉलिटिशियंस या लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों उस हवाले से उनको निकालने के हवाले से या उस पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? देखिए मैं आपको देखिए मेरा तो कहा आपको कि आई एम नॉट एक्टिव सिंस प्रॉब्ली 2 मंथ्स, तो मेरी सिर्फ ये एक गुजारिश थी कि ये जो हुआ ना, मैंने फिजिकली जो तस्वीरें आई हैं वही मैंने देखी। अब तो मैं एक्स PTI हो गया हूँ तो मुझे इसका ज्यादा पता भी नहीं है कि हुआ क्या। मैं जरूरी सवाल समझता हूं तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? अच्छा साहब जरूरी हम दूसरे सवाल ले ले काम दे। हां जी हां जी क्या साहब, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि लोगों को खौफ दिलाकर डर दिलाकर कि उनके कारोबार छीन लिए जाएंगे ये कर, और आज आप भी खौफजदा नजर आ रहे हैं, क्या आपको भी खौफजदा किया? आपको लग रहा है मैं खौफजदा हूं? कैसे, मैं पानी पी रहा हूं या मैं बेहोश पड़ा हूं या क्या है? और अल्लाह के बंदे मैंने कहा मेरा तो तल्लक ऐसा है कि मैं देखें ये खौफ से ज्यादा रिश्ते मजबूत होते हैं, तो खौफ नहीं मजबूत होता। जी जी बस आज के बाद आप ले लें। अच्छा मैंने तो 4 दफा ये बात किया है कि मैं 2 महीने से भाई नहीं गया, आप 9 तरीक जगाने की बात करें तो रिएक्शन मेरी 9 तो मैंने कहा मेरे हिसाब से इट वाज अ सैड डे, एक सैड डे था, एक तकलीफ का दिन था, तो मैं तो 2-1.5 महीने से गया ही ना, तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ। मैंने जी आप क्या देखें, अल्लाह करे मैं चाहता हूं कि तमाम देखें इंपॉर्टेंट है सियासी जमातें, वेरी इंपॉर्टेंट तहरीक जो तहरीक जितनी भी जमातें हैं सबका रोल है, सिर्फ ये करें कि अपने जो इन्होंने दरवाजे मुकफल कर लिए ना, खुदा रहा ये खिड़कियां दरवाजे खोलें एक दूसरे के लिए और बैठें, ये अदारों की तरफ भागने के बजाय एक दूसरे की तरफ देखें और बैठ के डायलॉग के थ्रू मसला हल करें। राठौर साहब आपका एक और यार दोस्त हो गया आसिफ जिलानी साहब सर, ये PTI बीट रिपोर्टर है आप प्लीज नहीं, मैं समझता हूँ कि आप किसी को अपॉर्चुनिटी भी नहीं देते। हमारी गलती देखिए हम ट्रिगर नहीं करते, मेरा बिलीव है कि उसमें मुझे नहीं पता, देखिए मैं यहाँ बैठ के कौन हूँ बताने वाला कि कौन था, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो माहौल बन गया था ना वो खतरनाक था। देखें आप जो मर्जी कह लें, जितना मर्जी आप इख्तलाफ कर लें, लेकिन एक दफा आपका हथापाई होती है ना, जैसे भी हो जाए कोई आपका साथ जो 4 खड़े हुए बंदे शुरू हो जाते मारना, ये तो आपको पता है लड़ाई में ऐसे ही होता है। तो आई बिलीव के हमें बहुत एज ए लीडर और एज ए मैं समझता हूँ कि एक पॉपुलर लीडर कुछ चीजें होती हैं जो आपने खुद मैनेज करनी। देखिए मैंने आपको गुजारिश की कि आप जरा रिकॉर्ड चेक कर लें, मेरा पूरा रिकॉर्ड प्लीज चेक करिएगा। मैं बड़ी कॉन्फिडेंटली यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ आपसे। मैंने 2 महीने हो गए हैं मैं वहाँ नहीं गया, आप जाके चेक करें। मैं सुन तो आपने जवाब देना है तो फिर आप देते हैं, लेकिन मुझे अगर देने दे तो मैं गुजारिश है, मेरी गुजारिश सिंपल है कि मैं बिलीव नहीं करता जब आपको ये आके आपके सामने पेश हुआ हूँ, इसीलिए कि मैं आई डोंट बिलीव इन इट।
मैंने ऑनेस्टली किसी से रब्ता नहीं किया, ना मैंने किसी को कहा है कोई छोड़ रहा है या नहीं छोड़ा। देखिए वो हर पॉलिटिशियन ने अपना टाइम लगाया था, मैंने सेक्रीफाइस किया 27 इयर्स, मैंने कर दिया, मैंने हल्फन किसी से बात नहीं की। अगर कोई छोड़ता है या नहीं छोड़ता उसका इशू है, मेरा नहीं है। आमिर भाई ये बताइए कि उस जीएचक्यू पे जब अटैक हुआ वासिक यूंग सदाकत आबासी ये जीएचक्यू के चौक पे क्राउड लेकर वहां से गायब हो गए, इस तरह के इमेच्योर पॉलिटिशियन या लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों उस हवाले से देखिए मैं आपको क्या, मेरा तो काम को क्या, आई एम नॉट एक्टिव सिंस प्रॉब्ली टू मंथ्स, तो मेरी सिर्फ ये गुजारिश थी कि ये जो हुआ ना मैंने फिजिकली जो तस्वीरें आई हैं वही मैंने देखी। अब तो मैं एक्स पीटीआई हो गया हूँ तो मुझे इसका ज्यादा पता भी नहीं है कि हुआ क्या। हाँ जी इमरान खान साहब ये कहते हैं कि लोगों को खौफ दिलाकर डर दिलाकर कि उनके कारोबार छीन लिए जाएंगे ये कर, और आज आप भी खौफजदा नजर आ रहे हैं, क्या आपको भी खौफजदा? आपको लग रहा है मैं खौफजदा हूँ? कैसे, मैं पानी पी रहा हूँ या मैं बेहोश पड़ा हूँ या क्या है? और अल्लाह के बंदे मैंने कहा मेरा तो तल्लक ऐसा है कि मैं देखें ये खौफ से ज्यादा रिश्ते मजबूत होते हैं तो खौफ नहीं मजबूत होता। जी जी बस आज के बाद आप ले लें। अच्छा मैंने तो चार दफा ये बात की है कि मैं 2 महीने से भाई नहीं गया, आप 9 तरीक की जगाने की बात करें तो रिएक्शन मेरी 9 तो मैंने कहा मेरे हिसाब से इट वाज अ सैड डे, एक सैड डे था, एक तकलीफ का दिन था, तो मैं तो 2-1.5 महीने से गया ही ना, तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ। मैंने जी आप क्या देखें, अल्लाह करे, मैं चाहता हूं कि तमाम देखें इम्पोर्टेंट है सियासी जमातें, वेरी इंपॉर्टेंट तहरीक, जो तहरीक जितनी भी जमातें हैं सबका रोल है, सिर्फ ये करें कि अपने जो इन्होंने दरवाजे मुकफल कर लिए हैं ना, खुदा रहा ये खिड़कियां दरवाजे खोलें एक दूसरे के लिए और बैठें, ये अदारों की तरफ भागने के बजाय एक दूसरे की तरफ देखें और बैठ के डायलॉग के थ्रू मसला हल करें। राठौर साहब आपका एक बड़े यार दोस्त है हो गया सर ये पीटीआई बीट रिपोर्टर है आप प्लीज नहीं मैं समझता हूँ कि आप किसी को अपॉर्चुनिटी भी नहीं देते। हमारी गलती देखें हम ट्रिगर नहीं करते, मेरा बिलीव है कि उसमें मुझे नहीं पता, देखें मैं यहाँ बैठ के कौन हूँ बताने वाला कि कौन था, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो माहौल बन गया था ना वो खतरनाक। देखें आप जो मर्जी कह लें जितना मर्जी आप इख्तलाफ कर लें, लेकिन एक दफ़ा आपका हथापाई होती है ना, जैसे भी हो जाए कोई आपका साथ जो चार खड़े बंदे शुरू हो जाते मारना, ये तो आपको पता है लड़ाई में ऐसे ही होता है। तो आई बिलीव के हमें बहुत एज अ लीडर और एज अ मैं समझता हूँ कि एक पॉपुलर लीडर कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने खुद मैनेज करनी है। देखिए मैंने आपको गुजारिश की कि आप जरा रिकॉर्ड चेक कर लें, मेरा पूरा रिकॉर्ड प्लीज चेक करिएगा, मैं बड़ी कॉन्फिडेंटली यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ आपसे। मैंने 2 महीने हो गए हैं मैं वहाँ नहीं गया, आप जाके चेक करें, मैं सुन तो लें आपने जवाब देना है तो फिर आप देते हैं, लेकिन मुझे अगर देने दें तो मैं गुजारिश है, मेरी गुजारिश सिंपल है कि मैं बिलीव नहीं करता जब आपको ये आके आपके सामने पेश हुआ हूँ, इसीलिए कि मैं आई डोंट बिलीव इन इट। मैंने ऑनेस्टली किसी से रब्ता नहीं किया, ना मैंने किसी को कहा है कोई छोड़ रहा है या नहीं छोड़ा। देखिए वो हर पॉलिटिशियन ने अपना टाइम लगाया था, मैंने सेक्रीफाइस किया 27 इयर्स, मैंने कर दिया,
میں نے حلفن کسی سے بات نہیں کی، اگر کوئی چھوڑتا یا نہیں چھوڑتا اس کا ایشو ہے، میرا نہیں ہے۔ عامر بھائی یہ بتائیے کہ اس دن جی ایچ کیو پہ جب اٹیک ہوا واسق یونگ صداقت عباسی یہ جی ایچ کیو کے چوک پہ کراؤڈ لے کر وہاں سے غائب ہو گئے، اس طرح کے امیچور پولیٹیشن یا لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کیوں اس حوالے سے ان کو نکالنے کے حوالے سے یہ اس پر کیوں کاروائی نہیں کر رہے؟ دیکھیں میرا تو کہا آپ کو کہ آئی ایم ناٹ ایکٹیو سنس پروبلی ٹو منتھس، تو میری صرف یہ ایک گزارش تھی کہ یہ جو ہوا نہ میں نے فزیکلی جو تصویریں آئی ہیں وہی میں نے دیکھی ہیں، اب تو میں ایکس پی ٹی آئی ہو گیا ہوں تو مجھے اس کا زیادہ پتہ بھی نہیں ہے کہ ہوا کیا۔ ہاں جی عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو خوف دلا کر ڈر دلا کر کہ ان کے کاروبار چھین لیے جائیں گے یہ کر، اور آج آپ بھی خوف زدہ نظر آ رہے ہیں، کیا آپ کو بھی خوف زدہ؟ آپ کو لگ رہا ہے میں خوف زدہ ہوں؟ کیسے؟ میں پانی پی رہا ہوں یا میں بیہوش پڑا ہوں یا کیا ہے؟ اور اللہ کے بندے میں نے کہا میرا تو تعلق ایسا ہے کہ میں دیکھیں یہ خوف سے زیادہ رشتے مضبوط ہوتے ہیں، تو خوف نہیں مضبوط ہوتا۔ جی جی بس آج کے بعد آپ لے لیں، اچھا میں نے تو چار دفعہ یہ بات کی ہے کہ میں دو مہینے سے باہر نہیں گیا، آپ نو طریقے جگانے کی بات کر رہے ہیں تو ریئیکشن میری نو، تو میں نے کہا اٹ واز میرے حساب سے اٹ واز اے سیڈ ڈے، ایک سیڈ ڈے تھا، ایک تکلیف کا دن تھا، تو میں تو دو ڈیڑھ مہینے سے گیا ہی نہیں نا، تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں۔ میں نے جی آپ کیا دیکھیں اللہ کرے، میں چاہتا ہوں کہ تمام دیکھیں امپورٹنٹ ہے سیاسی جماعتیں، ویری امپورٹنٹ، تحریک جو تحریک جتنی بھی جماعتیں ہیں سب کا رول ہے، صرف یہ کریں کہ اپنے جو انہوں نے دروازے مکفل کر لیے ہیں نا، خدا را یہ کھڑکیاں دروازے کھولیں ایک دوسرے کے لیے اور بیٹھیں، یہ اداروں کی طرف بھاگنے کے بجائے ایک دوسرے کی طرف دیکھیں اور بیٹھ کے ڈائیلاگ کے تھرو مسئلہ حل کریں۔ سر یہ پی ٹی آئی بیٹ رپورٹر ہے آپ پلیز، نہیں سوال تو سارے نہیں ہونے دیا، نہیں پہلے پی ٹی آئی بیٹ رپورٹر ہے، سیاست چھوڑ دیں آپ، کیا سیاست چھوڑ دیں سارے والے میں ذمہ دار طریقے سے آپ کو سمجھ لیں، کس کو ذمہ دار؟ نہیں میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی کو اپرچونٹی بھی نہیں دیتے، ہماری غلطی دیکھیں ہم ٹریگر نہیں کرتے، میرا بلیو ہے کہ اس میں مجھے نہیں پتا، دیکھیں میں یہاں بیٹھ کے کون ہوں بتانے والا کہ کون تھا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ماحول بن گیا تھا نا وہ خطرناک تھا، دیکھیں آپ جو مرضی کہہ لیں جتنا مرضی آپ اختلاف کر لیں، لیکن ایک دفعہ آپ کا ہتھا پائی ہوتی ہے نا، جیسے بھی ہو جائے کوئی آپ کے ساتھ جو چار کھڑے بندے شروع ہو جاتے مارنا، یہ تو آپ کو پتا ہے لڑائی میں ایسے ہی ہوتا ہے، تو آئی بلیو کہ ہمیں بہت ایز اے لیڈر اور ایز اے میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاپولر لیڈر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے خود مینیج کرنی، دیکھیں میں نے آپ کو گزارش کی کہ آپ ذرا ریکارڈ چیک کر لیں، میرا پورا ریکارڈ پلیز چیک کریے گا، میں بڑی کانفیڈنٹلی یہاں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں آپ سے، میں نے دو مہینے ہو گئے ہیں میں وہاں نہیں گیا، آپ جا کے چیک کریں، میں سن تو لیں سن تو آپ نے جواب دینا ہے تو پھر آپ دے دیں، لیکن مجھے اگر دینے دیں تو میں گزارش ہے، میری گزارش سمپل ہے کہ میں بلیو نہیں کرتا، جب آپ کو یہ آ کے آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں اسی لیے کہ میں آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ۔ میں نے آنیسٹلی کسی سے رابطہ نہیں کیا، نہ میں نے کسی کو کہا ہے کوئی چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا، دیکھیں وہ ہر پولیٹیشین نے اپنا ٹائم لگایا تھا، میں نے سیکریفائز کیا 27 ایئرز میں نے کر دیا، میں نے حلفن کسی سے بات نہیں کی، اگر کوئی چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا اس کا ایشو ہے، میرا نہیں ہے۔ عامر بھائی یہ بتائیے کہ جب اٹیک ہوا واسق یونگ صداقت عباسی یہ جی ایچ کیو کے چوک پہ کراؤڈ لے کر وہاں سے غائب ہو گئے،
इस तरह के मेच्योर पॉलिटिशियंस या लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों उस हवाले से उनको निकालने के हवाले से या उस पर क्यों कार्रवाई नहीं कर? देखिए मैं आपको देखिए मेरा तो कहा आपको कि आई एम नॉट एक्टिव सिंस प्रॉब्ली टू मंथ्स, तो मेरी सिर्फ ये एक गुजारिश थी कि ये जो हुआ ना, मैंने फिजिकली जो तस्वीरें आई हैं वही मैंने देखी। अब तो मैं एक्स पीटीआई हो गया हूँ तो मुझे इसका ज्यादा पता भी नहीं है कि हुआ क्या। जरूरी सवाल समझता हूँ, तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? अच्छा जी, हम दूसरे सवाल ले ले काम दे। हां जी, अच्छा क्या सर, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि लोगों को खौफ दिलाकर डर दिलाकर कि उनके कारोबार छीन लिए जाएंगे, ये कर और आज आप भी खौफजदा नजर आ रहे हैं, क्या आपको भी खौफजदा किया? आपको लग रहा है मैं खौफजदा हूं? कैसे, मैं पानी पी रहा हूँ या मैं बेहोश पड़ा हूँ या क्या है? और अल्लाह के बंदे, मैंने कहा मेरा तो तल्लक ऐसा है कि मैं देखें ये खौफ से ज्यादा रिश्ते मजबूत होते हैं, तो खौफ नहीं मजबूत होता। जी जी, बस आज इसके बाद आप ले लें। अच्छा, मैंने तो चार दफा ये बात की है कि मैं दो महीने से भाई नहीं गया। आप नौ तरीक की जगाने की बात करें तो रिएक्शन मेरी नौ, तो मैंने कहा मेरे हिसाब से इट वाज अ सैड डे, एक सैड डे था, एक तकलीफ का दिन था, तो मैं तो दो डेढ़ महीने से गया ही नहीं ना, तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ। मैंने जी आप क्या देखें, अल्लाह करे, मैं चाहता हूं कि तमाम देखें इंपॉर्टेंट है सियासी जमातें, वेरी इंपॉर्टेंट तहरीक, जो तहरीक जितनी भी जमातें हैं सबका रोल है, सिर्फ ये करें कि अपने जो इन्होंने दरवाजे मुकफल कर लिए ना, खुदा रहा ये खिड़कियां दरवाजे खोलें एक दूसरे के लिए और बैठें, ये अदारों की तरफ भागने के बजाय एक दूसरे की तरफ देखें और बैठ के डायलॉग के थ्रू मसला हल करें। सर ये पीटीआई बीट रिपोर्टर है आप प्लीज, नहीं नहीं सवाल तो सारे नहीं होने दिया, नहीं नहीं पहले पीटीआई बीट रिपोर्टर है, सियासत छोड़ दे, आप क्या सियासत छोड़ दे, सारे वादे में जिम्मेदार तरीके इंसाफ को समझ रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूं कि आप किसी को अपॉर्चुनिटी भी नहीं देते। हमारी गलती देखें, हम ट्रिगर नहीं करते। मेरा बिलीव है कि उसमें मुझे नहीं पता, देखें मैं यहाँ बैठ के कौन हूँ बताने वाला कि कौन था, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो माहौल बन गया था ना वो खतरनाक था। देखें आप जो मर्जी कह लें, जितना मर्जी आप इख्तलाफ कर लें, लेकिन एक दफ़ा आपका हाथापाई होती है ना, जैसे भी हो जाए कोई आपका साथ जो चार खड़े बंदे शुरू हो जाते मारना, ये तो आपको पता है लड़ाई में ऐसे ही होता है। तो आई बिलीव के हमें बहुत एज ए लीडर और एज अ मैं समझता हूँ कि एक पॉपुलर लीडर कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने खुद मैनेज करनी है। देखिये मैंने आपको गुजारिश की कि आप जरा रिकॉर्ड चेक कर लें, मेरा पूरा रिकॉर्ड प्लीज चेक करिएगा। मैं बड़ी कॉन्फिडेंटली यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ आपसे, मैंने दो महीने हो गए मैं वहाँ नहीं गया, आप जाके चेक करें। मैं सुन तो लें, सुन तो आपने जवाब देना है तो फिर आप देते हैं, लेकिन मुझे अगर देने दें तो मैं गुजारिश है, मेरी गुजारिश सिंपल है कि मैं बिलीव नहीं करता। जब आपको ये आके आपके सामने पेश हुआ हूँ इसीलिए कि मैं आई डोंट बिलीव इन इट। मैंने ऑनेस्टली किसी से रब्ता नहीं किया, ना मैंने किसी को कहा है कोई छोड़ा है या नहीं छोड़ा। देखिए वो हर पॉलिटिशियन ने अपना टाइम लगाया था, मैंने सेक्रीफाइस किया 27 इयर्स, मैंने कर दिया, मैंने हल्फन किसी से बात नहीं की। अगर कोई छोड़ता है या नहीं छोड़ता उसका इशू है, मेरा नहीं है। आमिर भाई ये बताइए कि पे जब अटैक हुआ वासिक यूम सदाकर दाबासी ये जीएचक्यू के चौक पे क्राउड लेकर वहां से गायब हो गए, इस तरह के इमेच्योर पॉलिटिशियंस या लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों उस हवाले से देखिए मैं आपको देखिए मेरा तो कहा आपको कि आई एम नॉट एक्टिव सिंस प्रॉब्ली टू मंथ्स, तो मेरी सिर्फ ये एक गुजारिश थी कि ये जो हुआ ना, मैंने
फिजिकली जो तस्वीरें आई हैं वही मैंने देखी हैं। अब तो मैं एक्स पीटीआई हो गया हूँ तो मुझे इसका ज्यादा पता भी नहीं है कि हुआ क्या। हाँ जी जी आपको लग रहा है मैं खौफजदा हूँ कैसे? मैं पानी पी रहा हूँ या मैं बेहोश पड़ा हूँ या क्या है? और अल्लाह के बंदे मैंने कहा मेरा तो तल्लक ऐसा है कि मैं देखें ये खौफ से ज्यादा रिश्ते मजबूत होते हैं तो खौफ नहीं मजबूत होता। जी जी बस आज के बाद आप ले लें अच्छा मैंने तो चार दफा ये बात किया है कि मैं दो महीने से भाई नहीं गया। आप नौ तरीक की जगाने की बात करें तो रिएक्शन मेरी नौ तो मैंने कहा इट वॉज मेरे हिसाब से इट वॉज अ सैड डे, एक सैड डे था, एक तकलीफ का दिन था। तो मैं तो दो डेढ़ महीने से गया ही है ना तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ। मैंने जी आप क्या देखें अल्लाह करे मैं चाहता हूं कि तमाम देखें इम्पोर्टेंट है सियासी जमातें वेरी इंपॉर्टेंट तहरीक जो तहरीक जितनी भी जमातें हैं सबका रोल है सिर्फ ये करें कि अपने जो इन्होंने दरवाजे मुकफल कर लिए ना खुदा रहा ये खिड़कियां दरवाजे खोलें एक दूसरे के लिए और बैठें ये अदारों की तरफ भागने के बजाय एक दूसरे की तरफ देखें और बैठ के डायलॉग के थ्रू मसला हल करें। सर ये पीटीआई बीट रिपोर्टर है आप प्लीज नहीं मैं समझता हूँ कि आप किसी को अपॉर्चुनिटी भी नहीं देते। हमारी गलती देखें हम ट्रिगर नहीं करते। मेरा बिलीव है कि उसमें मुझे नहीं पता देखें मैं यहाँ बैठ के कौन हूँ बताने वाला कि कौन था लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो माहौल बन गया था ना वो खतरनाक। देखें आप जो मर्जी कह लें जितना मर्जी आप इख्तलाफ कर लें लेकिन एक दफ़ा आपका हाथापाई होती है ना जैसे भी हो जाए कोई आपका साथ जो चार खड़े बंदे शुरू हो जाते मारना ये तो आपको पता है लड़ाई में ऐसे ही होता है। तो आई बिलीव के हमें बहुत एज अ लीडर और एज अ मैं समझता हूँ कि एक पॉपुलर लीडर कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने खुद मैनेज करनी देखिए मैंने आपको गुजारिश की कि आप जरा रिकॉर्ड चेक कर लें मेरा पूरा रिकॉर्ड प्लीज चेक करिएगा। मैं बड़ी कॉन्फिडेंटली यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ आपसे। मैंने दो महीने हो गए मैं वहाँ नहीं गया आप जाके चेक करें मैं सुन तो लें सुन तो आपने जवाब देना है तो फिर आप देते हैं लेकिन मुझे अगर देने दें तो मैं गुजारिश है मेरी गुजारिश सिंपल है कि मैं बिलीव नहीं करता जब आपको ये आके आपके सामने पेश हुआ हूँ इसीलिए कि मैं आई डोंट बिलीव इन इट। मैंने ऑनेस्टली किसी से रब्ता नहीं किया ना मैंने किसी को कहा है कोई छोड़ा है या नहीं छोड़ा। देखिए वो हर पॉलिटिशियन ने अपना टाइम लगाया था मैंने सेक्रीफाइस किया 27 इयर्स मैंने कर दिया। मैंने हल्फन किसी से बात नहीं की अगर कोई छोड़ता है या नहीं छोड़ता उसका इशू है मेरा नहीं है। आमिर भाई ये बताइए जीएचक्यू पे जब अटैक हुआ वासिक यूंग सदाकत अब्बासी ये जीएचक्यू के चौक पे क्राउड लेकर वहां से गायब हो गए इस तरह के इमेच्योर पॉलिटिशियन या लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों उस हवाले से तो कहा आपको कि आई एम नॉट एक्टिव सिंस प्रॉब्ली टू मंथ्स तो मेरी सिर्फ ये एक गुजारिश थी कि ये जो हुआ ना मैंने फिजिकली जो तस्वीरें आई हैं वही मैंने देखी हैं। अब तो मैं एक्स पीटीआई हो गया हूँ तो मुझे इसका ज्यादा पता भी नहीं है कि हुआ क्या। हाँ जी जी
इमरान खान साहब ये कहते हैं कि लोगों को खौफ दिलाकर डर दिलाकर कि उनके कारोबार छीन लिए जाएंगे ये कर, और आज आप भी खौफजदा नजर आ रहे हैं, क्या आपको भी खौफजदा? आपको लग रहा है मैं खौफजदा हूँ? कैसे? मैं पानी पी रहा हूँ या मैं बेहोश पड़ा हूँ या क्या है? और अल्लाह के बंदे, मैंने कहा मेरा तो तल्लक ऐसा है कि मैं देखें, ये खौफ से ज्यादा रिश्ते मजबूत होते हैं, तो खौफ नहीं मजबूत होता। जी जी बस आज के बाद आप ले लें। अच्छा, मैंने तो चार दफा ये बात की है कि मैं दो महीने से भाई नहीं गया, आप नौ तरीक की जगाने की बात करें तो रिएक्शन मेरी नौ, तो मैंने कहा इट वॉज, मेरे हिसाब से इट वॉज अ सैड डे, एक सैड डे था, एक तकलीफ का दिन था, तो मैं तो दो डेढ़ महीने से गया ही है ना, तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ। मैंने जी आप क्या देखें, अल्लाह करे, मैं चाहता हूं कि तमाम देखें, इम्पोर्टेंट है सियासी जमातें, वेरी इंपॉर्टेंट, तहरीक जो तहरीक जितनी भी जमातें हैं सबका रोल है, सिर्फ ये करें कि अपने जो इन्होंने दरवाजे मुकफल कर लिए हैं ना, खुदा रहा ये खिड़कियां दरवाजे खोलें एक दूसरे के लिए और बैठें, ये अदारों की तरफ भागने के बजाय एक दूसरे की तरफ देखें और बैठ के डायलॉग के थ्रू मसला हल करें। सर ये पीटीआई बीट रिपोर्टर है आप प्लीज, नहीं नहीं सवाल तो सारे नहीं होने दिया, नहीं नहीं पहले पीटीआई बीट रिपोर्टर सियासत छोड़, आप क्या सियासत छोड़ रहे सारे वाले का जिम्मेदार तरीके साफ को समझ रहे किसको जिम्मेदार? नहीं, मैं समझता हूं कि आप किसी को अपॉर्चुनिटी भी नहीं देते, हमारी गलती देखें, हम ट्रिगर नहीं करते, मेरा बिलीव है कि उसमें मुझे नहीं पता, देखें मैं यहाँ बैठ के कौन हूँ बताने वाला कि कौन था, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो माहौल बन गया था ना वो खतरनाक था। देखें आप जो मर्जी कह लें, जितना मर्जी आप इख्तलाफ कर लें, लेकिन एक दफ़ा आपका हाथापाई होती है ना, जैसे भी हो जाए कोई आपका साथ जो चार खड़े हुए बंदे शुरू हो जाते मारना, ये तो आपको पता है लड़ाई में ऐसे ही होता है। तो आई बिलीव के हमें बहुत एज ए लीडर और एज अ मैं समझता हूँ कि एक पॉपुलर लीडर कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने खुद मैनेज करनी। आपका सवाल उन्होंने ले लिया, आप दोबारा ले लीजिएगा, इनको करने दीजिए। देखिए मैंने आपको गुजारिश की कि आप जरा रिकॉर्ड चेक कर लें, मेरा पूरा रिकॉर्ड प्लीज चेक करिएगा, मैं बड़ी कॉन्फिडेंटली यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ आपसे, मैंने दो महीने हो गए मैं वहाँ नहीं गया, आप जाके चेक करें, मैं सुन तो लें, सुन तो आपने जवाब देना है तो फिर आप देते हैं, लेकिन मुझे अगर देने दें तो मैं गुजारिश है, मेरी गुजारिश सिंपल है कि मैं बिलीव नहीं करता, जब आपको ये आके आपके सामने पेश हुआ हूँ इसीलिए कि मैं आई डोंट बिलीव इन इट। मैंने ऑनेस्टली किसी से रब्ता नहीं किया, ना मैंने किसी को कहा है कोई छोड़ा है या नहीं छोड़ा, देखिए वो हर पॉलिटिशियन ने अपना टाइम लगाया था, मैंने सेक्रीफाइस किया 27 इयर्स मैंने कर दिया, मैंने हल्फन किसी से बात नहीं की, अगर कोई छोड़ता है या नहीं छोड़ता उसका इशू है, मेरा नहीं है। आमिर भाई ये बताइए जीएचक्यू पे जब अटैक हुआ वासिक यूंग सदाकत अब्बासी ये जीएचक्यू के चौक पे क्राउड लेकर वहां से गायब हो गए, इस तरह के इमैच्योर पॉलिटिशियन या लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों उस वाले से फिजिकली जो तस्वीरें आई हैं वही मैंने देखी हैं, अब तो मैं एक्स पीटीआई हो गया हूँ तो मुझे इसका ज्यादा पता भी नहीं है कि हुआ क्या। हाँ जी इमरान खान साहब ये कहते हैं कि लोगों को आपको लग रहा है मैं खौफजदा हूँ? कैसे? मैं पानी पी रहा हूँ या मैं बेहोश पड़ा हूँ या क्या है?
और अल्लाह के बंदे मैंने कहा मेरा तो तल्लक ऐसा है कि मैं देखें ये खौफ से ज्यादा रिश्ते मजबूत होते हैं तो खौफ नहीं मजबूत होता जी जी ए, बस आज के बाद आप ले लें अच्छा मैंने तो चार दफा ये बात किया है कि मैं दो महीने से भाई नहीं गया आप नौ तरीके जगाने की बात करें तो रिएक्शन मेरे नौ तो मैंने कहा मेरे हिसाब से इट वाज अ सैड डे एक सैड डे था एक तकलीफ का दिन था तो मैं तो दो डेढ़ महीने से गया ही है ना तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ मैंने जी आप क्या देखें अल्लाह करे मैं चाहता हूं कि तमाम देखें इम्पोर्टेंट है सियासी जमातें वेरी इंपॉर्टेंट तहरीके जो तहरीक जितनी भी जमातें हैं सबका रोल है सिर्फ ये करें कि अपने जो इन्होंने दरवाजे मुकफल कर लिए हैं ना खुदा रहा ये खिड़कियां दरवाजे खोलें एक दूसरे के लिए और बैठें ये अदारों की तरफ भागने के बजाय एक दूसरे की तरफ देखें और बैठ के डायलॉग के थ्रू मसला हल करें सर ये पीटीआई बीट रिपोर्टर है आप प्लीज नहीं मैं समझता हूँ कि आप किसी को अपॉर्चुनिटी भी नहीं देते हमारी गलती देखें हम ट्रिगर नहीं करते मेरा बिलीव है कि उसमें मुझे नहीं पता देखें मैं यहाँ बैठ के कौन हूँ बताने वाला कि कौन था लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो माहौल बन गया था ना वो खतरनाक था देखें आप जो मर्जी कह लें जितना मर्जी आप इख्तलाफ कर लें लेकिन एक दफ़ा आपका हथापाई होती है ना जैसे भी हो जाए कोई आपका साथ जो चार खड़े हुए बंदे शुरू हो जाते मारना ये तो आपको पता है लड़ाई में ऐसे ही होता है तो आई बिलीव के हमें बहुत एज ए लीडर और एज अ मैं समझता हूँ कि एक पॉपुलर लीडर कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने खुद मैनेज करनी देखिए मैंने आपको गुजारिश की कि आप जरा रिकॉर्ड चेक कर लें मेरा पूरा रिकॉर्ड प्लीज चेक करिएगा मैं बड़ी कॉन्फिडेंटली यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ आपसे मैंने दो महीने हो गए हैं मैं वहाँ नहीं गया आप जाके चेक करें मैं सुनते लें सुनते आपने जवाब देना है तो फिर आप देते लेकिन मुझे अगर देने दें तो मैं गुजारिश है मेरी गुजारिश सिंपल है कि मैं बिलीव नहीं करता जब आपको ये आके आपके सामने पेश हुआ हूँ इसीलिए कि मैं आई डोंट बिलीव इन इट मैंने ऑनेस्टली किसी से रब्ता नहीं किया ना मैंने किसी को कहा है कोई छोड़ रहा है या नहीं छोड़ा देखिए वो हर पॉलिटिशियन ने अपना टाइम लगाया था मैंने सेक्रीफाइस किया 27 इयर्स मैंने कर दिया मैंने हल्फन किसी से बात नहीं की अगर कोई छोड़ता है या नहीं छोड़ता उसका इशू है मेरा नहीं है आमिर भाई ये बताइए जीएचक्यू पे जब अटैक हुआ वासिक यूंग सदाकत अब्बासी ये जीएचक्यू के चौक पे क्राउड लेकर वहां से गायब हो गए इस तरह के इमैच्योर पॉलिटिशियन या लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों उस हवाले से तस्वीरें आई हैं वही मैंने देखी हैं अब तो मैं एक्स पीटीआई हो गया हूं तो मुझे इसका ज्यादा पता भी नहीं है कि हुआ क्या आपको लग रहा है मैं खौफजदा हूँ कैसे मैं पानी पी रहा हूँ या मैं बेहोश पड़ा हूँ या क्या है और अल्लाह के बंदे मैंने कहा मेरा तो तल्लक ऐसा है कि मैं देखें ये खौफ से ज्यादा रिश्ते मजबूत होते हैं तो खौफ नहीं मजबूत होता जी जी बस आज के बाद आप ले लें Okay.
अच्छा मैंने तो चार दफा ये बात किया है कि मैं दो महीने से भाई नहीं गया, आप नौ तरीक की जगाने की बात करें तो रिएक्शन मेरी नो, तो मैंने कहा इट वॉज मेरे हिसाब से इट वॉज अ सैड डे, एक सैड डे था, एक तकलीफ का दिन था, तो मैं तो दो डेढ़ महीने से गया ही ना, तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ मैंने जी आप क्या देखें अल्लाह करे, मैं चाहता हूँ कि तमाम देखें इम्पोर्टेंट है सियासी जमातें, वेरी इंपॉर्टेंट तहरीक जो तहरीक जितनी भी जमातें हैं सबका रोल है, सिर्फ ये करें कि अपने जो इन्होंने दरवाजे मुकफल कर लिए हैं ना, खुदा रहा ये खिड़कियां दरवाजे खोलें एक दूसरे के लिए और बैठें, ये अदारों की तरफ भागने के बजाय एक दूसरे की तरफ देखें और बैठ के डायलॉग के थ्रू मसला हल करें। राठौर साहब आपका एक बार यार दोस्त हो गया साहब सर ये पीटीआई बीट रिपोर्टर है आप प्लीज नहीं मैं समझता हूँ कि आप किसी को अपॉर्चुनिटी भी नहीं देते, हमारी गलती देखें हम ट्रिगर नहीं करते, मेरा बिलीव है कि उसमें मुझे नहीं पता, देखें मैं यहाँ बैठ के कौन हूँ बताने वाला कि कौन था, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो माहौल बन गया था ना वो खतरनाक, देखें आप जो मर्जी कह लें जितना मर्जी आप इख्तलाफ कर लें लेकिन एक दफ़ा आपका हथापाई होती है ना, जैसे भी हो जाए कोई आपका साथ जो चार खड़े बंदे शुरू हो जाते मारना, ये तो आपको पता है लड़ाई में ऐसे ही होता है, तो आई बिलीव के हमें बहुत एज अ लीडर और एज अ मैं समझता हूँ कि एक पॉपुलर लीडर कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने खुद मैनेज करनी है। देखिए मैंने आपको गुजारिश की कि आप जरा रिकॉर्ड चेक कर लें, मेरा पूरा रिकॉर्ड प्लीज चेक करिएगा, मैं बड़ी कॉन्फिडेंटली यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ आपसे, मैंने दो महीने हो गए हैं मैं वहाँ नहीं गया, आप जाके चेक करें, मैं सुन तो आपने जवाब देना है तो फिर आप देते हैं, लेकिन मुझे अगर देने दें तो मैं गुजारिश है, मेरी गुजारिश सिंपल है कि मैं बिलीव नहीं करता, जब आपको ये आके आपके सामने पेश हुआ हूँ इसीलिए कि मैं आई डोंट बिलीव इन इट। मैंने ऑनेस्टली किसी से रब्ता नहीं किया, ना मैंने किसी को कहा है कोई छोड़ा है या नहीं छोड़ा, देखिए वो हर पॉलिटिशियन ने अपना टाइम लगाया था, मैंने सेक्रीफाइस किया 27 इयर्स मैंने कर दिया, मैंने हल्फन किसी से बात नहीं की, अगर कोई छोड़ता या नहीं छोड़ता उसका इशू है मेरा नहीं है। आमिर भाई ये बताइए जीएचक्यू पे जब अटैक हुआ वासिक यूंग सदाकत आबासी ये जीएचक्यू के चौक पे क्राउड लेकर वहां से गायब हो गए, इस तरह के इमैच्योर पॉलिटिशियंस या लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों उस हवाले से फिजिकली जो तस्वीरें आई हैं वही मैंने देखी, अब तो मैं एक्स पीटीआई हो गया हूँ तो मुझे इसका ज्यादा पता भी नहीं है कि हुआ क्या है। हाँ जी इमरान खान साहब ये कहते हैं कि लोगों को खौफ दिलाकर डर दिलाकर कि उनके कारोबार छीन लिए जाएंगे ये कर, और आज आप भी खौफजदा नजर आ रहे हैं, क्या आपको भी खौफजदा किया? आपको लग रहा है मैं खौफजदा हूँ? कैसे मैं पानी पी रहा हूँ या मैं बेहोश पड़ा हूँ या क्या है? और अल्लाह के बंदे मैंने कहा मेरा तो तल्लक ऐसा है कि मैं देखें ये खौफ से ज्यादा रिश्ते मजबूत होते हैं, तो खौफ नहीं मजबूत होता जी जी बस आज के बाद आप ले लें। अच्छा मैंने तो चार दफा ये बात किया है कि मैं दो महीने से भाई नहीं गया, आप नौ तरीक की जगाने की बात करें तो रिएक्शन मेरी नो, तो मैंने कहा इट वॉज मेरे हिसाब से इट वॉज अ सैड डे, एक सैड डे था, एक तकलीफ का दिन था, तो मैं तो दो डेढ़ महीने से गया ही ना,
तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, मैंने जी आप क्या देखें, अल्लाह करे, मैं चाहता हूँ कि तमाम देखें इम्पोर्टेंट है सियासी जमातें, वेरी इंपॉर्टेंट तहरीक, जो तहरीक जितनी भी जमातें हैं सबका रोल है, सिर्फ ये करें कि अपने जो इन्होंने दरवाजे मुकफल कर लिए ना, खुदा रहा ये खिड़कियां दरवाजे खोलें एक दूसरे के लिए और बैठें, ये अदारों की तरफ भागने के बजाय एक दूसरे की तरफ देखें और बैठ के डायलॉग के थ्रू मसला हल करें। राठौर साहब आपका एक बड़े यार दोस्त है, हो गया आसिफ जिलानी साहब सर, ये पीटीआई बीट रिपोर्टर है आप प्लीज। नहीं, मैं समझता हूँ कि आप किसी को अपॉर्चुनिटी भी नहीं देते, हमारी गलती देखें हम ट्रिगर नहीं करते, मेरा बिलीव है कि उसमें मुझे नहीं पता, देखें मैं यहाँ बैठ के कौन हूँ बताने वाला कि कौन था, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो माहौल बन गया था ना वो खतरनाक था। देखें आप जो मर्जी कह लें, जितना मर्जी आप इख्तलाफ कर लें, लेकिन एक दफ़ा आपका हथापाई होती है ना, जैसे भी हो जाए कोई आपका साथ जो चार खड़े बंदे शुरू हो जाते मारना, ये तो आपको पता है लड़ाई में ऐसे ही होता है। तो आई बिलीव के हमें बहुत एज ए लीडर और एज अ मैं समझता हूँ कि एक पॉपुलर लीडर कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने खुद मैनेज करनी है। देखिए मैंने आपको गुजारिश की कि आप जरा रिकॉर्ड चेक कर लें, मेरा पूरा रिकॉर्ड प्लीज चेक करिएगा, मैं बड़ी कॉन्फिडेंटली यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ आपसे, मैंने 2 महीने हो गए हैं मैं वहाँ नहीं गया, आप जाके चेक करें, मैं सुन तो लें आपने जवाब देना है तो फिर आप देते हैं, लेकिन मुझे अगर देने दें तो मैं गुजारिश है, मेरी गुजारिश सिंपल है कि मैं बिलीव नहीं करता, जब आपको ये आके आपके सामने पेश हुआ हूँ इसीलिए कि मैं आई डोंट बिलीव इन इट। मैंने ऑनेस्टली किसी से रब्ता नहीं किया, ना मैंने किसी को कहा है कोई छोड़ा है या नहीं छोड़ा, देखिए वो हर पॉलिटिशियन ने अपना टाइम लगाया था, मैंने सेक्रीफाइस किया 27 ईयर्स मैंने कर दिया, मैंने हल्फन किसी से बात नहीं की, अगर कोई छोड़ता है या नहीं छोड़ता उसका इशू है, मेरा नहीं है। आमिर भाई ये बताइए कि जीएचक्यू पे जब अटैक हुआ वासिक हुजूम सदाकर दाबासी ये जीएचक्यू के चौक पे क्राउड लेकर वहां से गायब हो गए, इस तरह के इमेच्योर पॉलिटिशियंस या लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों उस हवाले से फिजिकली जो तस्वीरें आई हैं वही मैंने देखी, अब तो मैं एक्स पीटीआई हो गया हूँ तो मुझे इसका ज्यादा पता भी नहीं है कि हुआ क्या। हाँ जी इमरान खान साहब ये कहते हैं कि लोगों को खौफ दिलाकर डर दिलाकर कि उनके कारोबार छीन लिए जाएंगे ये कर, और आज आप भी खौफजदा नजर आ रहे हैं, क्या आपको भी खौफजदा किया? आपको लग रहा है मैं खौफजदा हूँ? कैसे, मैं पानी पी रहा हूँ या मैं बेहोश पड़ा हूँ या क्या है? और अल्लाह के बंदे मैंने कहा मेरा तो तल्लक ऐसा है कि मैं देखें ये खौफ से ज्यादा रिश्ते मजबूत होते हैं, तो खौफ नहीं मजबूत होता। जी जी बस आज इसके बाद आप ले लें, अच्छा मैंने तो 4 दफा ये बात किया है कि मैं 2 महीने से भाई नहीं गया, आप 9 तरीक जगाने की बात करें तो रिएक्शन मेरी 9 तो मैंने कहा मेरे हिसाब से इट वॉज अ सैड डे, एक सैड डे था, एक तकलीफ का दिन था, तो मैं तो 2-1.5 महीने से गया ही नहीं ना, तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, मैंने जी आप क्या देखें, अल्लाह करे, मैं चाहता हूँ कि तमाम देखें इंपॉर्टेंट है सियासी जमातें,
वेरी इंपॉर्टेंट। तहरीक जो तहरीक जितनी भी जमातें हैं सबका रोल है, सिर्फ ये करें कि अपने जो इन्होंने दरवाज़े मुकफ्फल कर लिए ना, खुदा रहा ये खिड़कियां दरवाजे खोलें एक दूसरे के लिए और बैठें, ये अदारों की तरफ भागने के बजाय एक दूसरे की तरफ देखें और बैठ के डायलॉग के थ्रू मसला हल करें। सर ये पीटीआई बीट रिपोर्टर है आप प्लीज। नहीं नहीं सवाल तो सारे नहीं होने दिया। नहीं नहीं पहले पीटीआई बीट रिपोर्टर है। सियासत छोड़ आप क्या सियासत छोड़ रहे सारे वादे में जिम्मेदार तरीके साहब को समझ रहे किसको जिम्मेदार? नहीं मैं समझता हूं कि आप किसी को अपॉर्चुनिटी भी नहीं देते। हमारी गलती देखें हम ट्रिगर नहीं करते। मेरा बिलीव है कि उसमें मुझे नहीं पता, देखें मैं यहाँ बैठ के कौन हूँ बताने वाला कि कौन था, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो माहौल बन गया था ना वो खतरनाक था। देखें आप जो मर्जी कह लें जितना मर्जी आप इख्तलाफ कर लें, लेकिन एक दफ़ा आपका हाथापाई होती है ना, जैसे भी हो जाए कोई आपका साथ जो चार खड़े बंदे शुरू हो जाते मारना, ये तो आपको पता है लड़ाई में ऐसे ही होता है। तो आई बिलीव के हमें बहुत एज ए लीडर और एज अ मैं समझता हूँ कि एक पॉपुलर लीडर कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने खुद मैनेज करनी। देखिये मैंने आपको गुजारिश की कि आप जरा रिकॉर्ड चेक कर लें, मेरा पूरा रिकॉर्ड प्लीज चेक करिएगा। मैं बड़ी कॉन्फिडेंटली यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ आपसे। मैंने 2 महीने हो गए मैं वहाँ नहीं गया, आप जाके चेक करें। मैं सुन तो लें सुन तो आपने जवाब देना है तो फिर आप देते हैं, लेकिन मुझे अगर देने दें तो मैं गुजारिश है, मेरी गुजारिश सिंपल है कि मैं बिलीव नहीं करता। जब आपको ये आके आपके सामने पेश हुआ हूँ इसीलिए कि मैं आई डोंट बिलीव इन इट। मैंने ऑनेस्टली किसी से रब्ता नहीं किया ना, मैंने किसी को कहा है कोई छोड़ा है या नहीं छोड़ा। देखिए वो हर पॉलिटिशियन ने अपना टाइम लगाया था, मैंने सेक्रीफाइस किया 27 ईयर्स मैंने कर दिया, मैंने हल्फन किसी से बात नहीं की। अगर कोई छोड़ता है या नहीं छोड़ता उसका इशू है, मेरा नहीं है। आमिर भाई ये बताइए कि पे जब अटैक हुआ वासिक यूम सदाकर दावासी ये जीएचक्यू के चौक पे क्राउड लेकर वहां से गायब हो गए, इस तरह के इमेच्योर पॉलिटिशियन या लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों उस हवाले से फिजिकली जो तस्वीरें आई हैं वही मैंने देखी। अब तो मैं एक्स पी टी आई हो गया हूँ तो मुझे इसका ज्यादा पता भी नहीं है कि हुआ क्या। हाँ जी इमरान खान साहब ये कहते हैं कि लोगों को खौफ दिलाकर डर दिलाकर कि उनके कारोबार छीन लिए जाएंगे ये कर, और आज आप भी खौफजदा नजर आ रहे हैं, क्या आपको भी खौफजदा? आपको लग रहा है मैं खौफजदा हूँ? कैसे मैं पानी पी रहा हूँ या मैं बेहोश पड़ा हूँ या क्या है? और अल्लाह के बंदे मैंने कहा मेरा तो तल्लक ऐसा है कि मैं देखें ये खौफ से ज्यादा रिश्ते मजबूत होते हैं तो खौफ नहीं मजबूत होता। जी जी बस आज के बाद आप ले लें। अच्छा मैंने तो 4 दफा ये बात किया है कि मैं 2 महीने से भाई नहीं गया, आप 9 तरीके जगाने की बात करें तो रिएक्शन मेरी 9 तो मैंने कहा इट वॉज मेरे हिसाब से इट वॉज अ सैड डे, एक सैड डे था, एक तकलीफ का दिन था, तो मैं तो 2-1.5 महीने से गया ही है ना, तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ। मैंने जी आप क्या देखें अल्लाह करे, मैं चाहता हूँ कि तमाम देखें इम्पोर्टेंट है सियासी जमातें, वेरी इंपॉर्टेंट। तहरीक जो तहरीक जितनी भी जमातें हैं सबका रोल है, सिर्फ ये करें कि अपने जो इन्होंने दरवाजे मुकफ्फल कर लिए ना,
खुदा रहा ये खिड़कियां दरवाजे खोलें एक दूसरे के लिए और बैठें, ये अदारों की तरफ भागने के बजाय एक दूसरे की तरफ देखें और बैठ के डायलॉग के थ्रू मसला हल करें। सर ये पीटीआई बीट रिपोर्टर है आप प्लीज। नहीं सवाल तो सारे नहीं होने दिया। नहीं नहीं पहले पीटीआई बीट रिपोर्टर सियासत छोड़ दे। आप क्या सियासत छोड़ रहे सारे वादे मैं जिम्मेदार तरीके साफ को समझ रहे किसको जिम्मेदार। नहीं मैं समझता हूं कि आप किसी को अपॉर्चुनिटी भी नहीं देते। हमारी गलती देखें हम ट्रिगर नहीं करते। मेरा बिलीव है कि उसमें मुझे नहीं पता देखें मैं यहाँ बैठ के कौन हूँ बताने वाला कि कौन था। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो माहौल बन गया था ना वो ख़तरनाक था। देखें आप जो मर्जी कह लें जितना मर्जी आप इख्तलाफ कर लें लेकिन एक दफ़ा आपका हाथापाई होती है ना जैसे भी हो जाए कोई आपके साथ जो चार खड़े हुए बंदे शुरू हो जाते मारना ये तो आपको पता है लड़ाई में ऐसे ही होता है। तो आई बिलीव के हमें बहुत एज ए लीडर और एज अ मैं समझता हूँ कि एक पॉपुलर लीडर कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने खुद मैनेज करनी है। देखिए मैंने आपको गुजारिश की कि आप जरा रिकॉर्ड चेक कर लें मेरा पूरा रिकॉर्ड प्लीज चेक करिएगा। मैं बड़ी कॉन्फिडेंटली यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ आपसे। मैंने 2 महीने हो गए मैं वहाँ नहीं गया आप जाके चेक करें। मैं सुन तो लें सुन तो आपने जवाब देना है तो फिर आप देते हैं लेकिन मुझे अगर देने दें तो मैं गुजारिश है मेरी गुजारिश सिंपल है कि मैं बिलीव नहीं करता जब आपको ये आके आपके सामने पेश हुआ हूँ इसीलिए कि मैं आई डोंट बिलीव इन इट। मैंने ऑनेस्टली किसी से रब्ता नहीं किया ना मैंने किसी को कहा है कोई छोड़ा है या नहीं छोड़ा। देखिए वो हर पॉलिटिशियन ने अपना टाइम लगाया था मैंने सेक्रीफाइस किया 27 ईयर्स मैंने कर दिया। मैंने हल्फन किसी से बात नहीं की अगर कोई छोड़ता है या नहीं छोड़ता उसका इशू है मेरा नहीं है। आमिर भाई ये बताइए जीएचक्यू पे जब अटैक हुआ वासिक यूंग सदाकर दबासी ये जीएचक्यू के चौक पे क्राउड लेकर वहां से गायब हो गए इस तरह के इमेच्योर पॉलिटिशियन या लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों उस हवाले से देखिये मेरा तो कहा आपको कि आई एम नॉट एक्टिव सिंस प्रॉब्ली 2 मंथ्स तो मेरी सिर्फ ये